सो न्यू क्लच गोट इन गाथाबाई क्या लैन में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही देखेंगे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की तरफ से फेक न्यूज पे एंग्री रिएक्शन। जानने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा मैटर एक्सप्लेन किया था हैकर के टीम से रिलेटेड जो लैन के फिनाली खेलने वाले हैं। इस पे कमलजीत पाजी की तरफ से अगेन रिएक्शन देखने को मिली है। बात इतनी सिंपल सी है, अगर लैन पे एक हैकर है एंड किसी को पता नहीं था कि वो ये टूर्नामेंट खेल भी रहा है एंड वो मारने की धमकी दे भी रहा है, इससे बड़ी लानत वाली कोई चीज नहीं है। I feel all the team should unite against this. वो खेलेगा तो किसी को खेलना भी नहीं चाहिए, एक धब्बा यार। I still strongly believe कि ग्राफिन कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, बट वो वहाँ पहुंचा भी कैसे क्या है भाई कुछ पता नहीं मेरे को। एंड मैंने की अगर धमकी इनकी ओपन ली दी है, आई गेस दैट इज इनफ फॉर दैट पर्सन टू गेट बैंड और एट लीस्ट नॉट अलाउड टू प्ले दिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट इसी पे सरदार जी वाइट एक स्टेप लेने जा रहे हैं। मेकिंग व्लॉग्स, आई विल बी सिटिंग विद लियो, आई विल बी टॉकिंग टू हिम कि क्या सीन है, क्यों हो रहा है, क्या बीटी है। डोंट वरी, आई विल हैव अ कन्वर्सेशन विद लियो बिकॉज़ सी किसी और को बोल रहा है स्नेहल, उनको बोल रहा है ठीक है, दैट्स देयर काइंड ऑफ थिंग, जो भी करे। दैट स्काउट वाला पार्ट आई रियली डिड लाइक दैट, तो दैट्स व्हाई आई टेक्स्टेड हिम कि भाई ये मेरे को सही, मतलब उसने सामने से मैसेज किया तो मेरे ट्वीट्स को देख के, एंड देन आई टेक्स्टेड हिम कि नहीं यार ये सही नहीं है ना ऑल। तो ठीक है, बात करते हैं लियो से यार, डोंट वरी, हमारा भाई जा रहा ना, सारा सिस्टम बिठा देगा। पावर से रिलेटेड सो जैसी आप सभी को पता है पावर लीव कर चुके हैं मोगो और उनके फेयरवेल पोस्ट भी आप ऑन स्क्रीन देख ही सकते हो। आगे वो न्यू टीम से रिलेटेड भी बात करते दिखे हैं। आगे कहाँ जाएगा, मेरा प्लान ऐसा अभी है कि BMPS तक मैं वेट कर रहा हूँ, जो भी डिसीजन है अगला वाला एकदम शांति से दिमाग खोल के लेना, जो भी होगा एकदम लॉन्ग टर्म लेना। लॉन्ग टर्म तो मोगो वाला भी मेरे को वही करना था, लेकिन वही बोल रहा हूँ बाद में आने के बाद मालूम पड़ी जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। मेरा जेन्युइन नहीं बोल रहा हूँ, आई स्वेयर कि मतलब मेरा यही रीजन था, मतलब इंटेंशन ये था कि मोगो जा रहा हूँ आराम से कम अगला 3 ऑफिशियली #16 क्यों ना आ जाए या क्वालिफाई नहीं करे, रहूँगा साथ में। अब दूसरी चीज़ आ गई जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो चीज़ की वजह से मेरे को करना पड़ा। हिंट दे नेक्स्ट ऑर्ग, मेरे को खुद को नहीं पता। तो लगता है कि अगला जो टूर्नामेंट है, मतलब अगला जो टीम है, उधर भी मेरा 100% लॉन्ग टर्म नहीं है, तो मैं एक इवेंट मिस कर दूंगा जो भी मतलब अगला इवेंट होगा, लैन भी हो चलेगा। आगे वीडियो में बात करते हैं लैन से रिलेटेड। सो कुछ लोग कमलजीत पाजी को बोलने लगे क्लच गॉड को लैन में इनवाइट करो, जिसमें उन्होंने क्या कहा देख सकते हो। क्लच गॉड को लेके जाना लैन पे यार, मेरे को उसको पूछना है। देखो फ्रेंकली मैं बता देता हूँ, अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं लाला को लेके जाए, इसको लेके जाए, इसको लेकर लाला को मैं रीच आउट करने वाला हूँ आज, ठीक है, पूछने वाला हूँ भाई तेरा क्या सीन है। मुझे मेरा सीन बता देता हूँ, मेरी क्रॉन्टन से अभी शाम को बात हुई थी, जब भी मैं बाहर गया था ना, जब मैं एस पावर स्ट्रीम कर रहा मैं बाहर गया था, मैं क्रॉन्टन की कॉल किया था, मैं बोला भाई क्या सीन है तुम लेके जा रहे हो बता दो। उसने मेरे को बोला था क्योंकि जॉनी के घर पे आया था कि पाजी आपकी टिकट मैं करके दे रहा हूँ, आप आ रहे हो कैसे भी करके, बोला ठीक है। मैं उसको भी पूछा था कि भाई नहीं भी होता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद से पे करके आ सकता हूँ, बिकॉज बाद में फिर थोड़े महंगे हो सकते हो। बोलता नहीं पाजी आप टेंशन मत लो, आप हमारे साथ ही आ रहे हो, बस मेरी उतनी बात हुई मेरे रिगार्डिंग। इसी के साथ वो नियो से रिलेटेड बात करते दिखे, 50-50 चांसेस वो लैन में आ सकता है। नियो का मेरी नियो से बात हुई थी, नियो ने बोला कि उसका 50-50 चांस है आने का, ठीक है, वो आएगा तो लास्ट वाले दिन आएगा, ठीक है, ताकि लास्ट वाले दिन आए, ताकि प्लेयर्स को भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ना कोई भक्चोदी हो वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे के लिए जो भी हम लोग लैंड में मिलेंगे उनको होटल वीटल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू क्रिएट दैट आउटर डिस्ट्रैक्शन, हम लोग ही करेंगे फिर क्या फायदा है कि नहीं, तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए। बाकी बहुत लोग बोल रहे नो नियो प्लीज, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट यू गाइस, बिकॉज वाई नॉट नियो, क्यों नहीं, भाई भाई है हमारा, ठीक है ना, भले खराब टाइम है उसने जो भी गू खाया उस चीज़ की सजा वो इंडिविजुअली भुगत रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो 4-5 साल जो हमारे साथ में रहा है भाई जैसा रहा है, ठीक है, तो फिर वो चीज हम लोग कभी भुला नहीं सकते। इंडिविजुअली जो उसने किया है उस सजा उसको मिल रही है, ठीक है, वो दैट इज ऑन हिज ओन, बट यार वो मैच देखना तो वैसे भी आ सकता है, क्या पता टिकट लेके इलाइट पास लेके बैठ जाए तुम लोगों के बीच में, फिर तुम किसको नो नो करते रहोगे, आप लोग भूल नहीं सकते हो हमारे खराब टाइम में भी वो बंदा वो बोलता था हर एक के लिए खड़ा रहा, ठीक है ना, तो जो भी ऐसा नो नियो मॉड जो भी नो नियो बोल रहे हैं ना भाई सीधा उनको हाइड दो, बैन भी नहीं सीधा हाइड दो। बट उसका अभी तक डिसाइडेड नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ कि उसका डिसाइडेड नहीं है, मैंने उसको बोला भी है, मैंने उसको वॉइस नोट भेजा, भाई तेरे को अगर लगता रहेगा कि पब्लिक के बीच में तेरा अभी आने का मन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, कब तक तू नहीं रहेगा आएगा, मैं आपको चाहिए तो वॉइस नोट सुना सकता हूँ, मतलब कभी ना कभी तेरे को फेस करना ही है, एंड अगर तेरे को आना है आई जेन्युइनली वांट यू टू कम, तो लास्ट डे आना। और साथ ही घातक भाई के बारे में भी बात करते दिखे हैं। अब अपने मैं तो चाहता हूँ कि घातक भी आए यार, फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस आज तुम लोग बताता हूँ मेरी और घातक की हम लोग की बातचीत नहीं होती है, दैट इज वन पर्सन, बट हम लोग कभी बताएंगे नहीं कि क्यों नहीं होती, बट आई डू हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट आई ऑल्सो जेन्युइनली वॉन्ट हिम टू कम, अगर वो भी आएगा तो यार सोने पे सुहाग है, सब लोग आने चाहिए यार, 3 साल बाद है, 3 साल हम लोग साथ में रगड़ते थे, साथ में सर मत्था पच्ची करते थे, एक दूसरे का सर फोड़ते थे, क्या करे क्या करे क्या करे, इतने लाइनअप चेंजेस ये वो आज के दिन आया एंड क्यों नहीं यार, है कि नहीं, कम ऑन यार। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है लेट्स ग्रो ईस्पोर्ट्स के एक ट्वीट से रिलेटेड, जिस पर वो लिखे थे सोर्सेस से पता चला है अगर BGMS में ग्रैनुअल गेमिंग टॉप 5 आती है तो उनकी न्यू लाइनअप होने वाली थी हैक्टर्स लग निंजा बॉय एंड बी,
बट वो टॉप 5 में आ गए हैं, तो अब कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। बट हेक्टर अपने अराउंड टीम बनाना चाहते थे जो कि नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम में ओमेगा आईजीएल थे, तो उनके बारे में एक प्लान था रोस्टर को लीव करने का NBGMS के टाइम पे। टाइम जब वो SCG के कोच ज्वाइन किए थे तो हेक्टर टीम के आईजीएल बन गए थे, तो वो टाइम में हेक्टर को ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से एंड दूसरी टीम से ऑफर आए थे, बट वो सारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिए क्योंकि उनको टीम को लीड करना था। तो इस पे स्लग की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिली है। तो देखिए, जो तू डाल देता है सोर्स बोल के अपने ओपिनियन, जिस हिसाब से अपने न्यूज चैनल पे तू डाल देता है भाई, ये कल को तूने उस दिन RNT बोल के हमारा नाम डाल दिया। चल ठीक है, वो तो हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया, हमने बोला क्या ही फर्क पड़ता है, जबकि कुछ लिटरली गाइस कुछ नहीं है ऐसा, हम लोग कहीं RNT नहीं जा रहे, कहीं कुछ नहीं जा रहे, इस बंदे ने लिटरली वो डाल दिया। उसके बाद इसने कल हेक्टर वाला लिटर हम पे इतना बड़ा कुछ भी डाला है लिटरली, तो कुछ भी एक हेक्टर को चीज से भी ऑफर था, वो भी था, हम लोग जा रहे थे। अरे भाई, जब कुछ कन्फर्मेशन थे तो कुछ पक्का कुछ हो तब ऐसी चीज़ें डालना। सोर्स लगा देगा कि भाई मैंने भी लगा दिया सोर्स, पिटवा दिया तुझे 4 लोगों में, अब जब ऑडियंस भर रही तुझे गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, भाई मेरे भी सोर्स ने बोला। अब भाई तू ऐसा ये सब डालेगा तो लिटरली हमारे ऑर्ग में हमसे इतने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे इंडिविजुअली कॉन्फ्लिक्ट होने चालू हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके। तो अपडेट दिए जा रही लोज के रिलेटेड, तो लोज लैंड में नहीं जाने वाले, इसके साथ रीजन देते हुए जॉर्डन फैन से रिलेटेड अपडेट देते हुए उन्होंने क्या कहा, देख सकते हो। हाँ यार, मेरी ये लैंड की बात तो हुई, बट यार इस बार का वेन्यू छोटा है, तो इसके अंदर चांसेस है कि जैसे अपना मुंबई में हुआ था ना कि क्रिएटर्स को घुसने नहीं दिया था ड्यू टू ओवर क्राउड, तो इसके अंदर भी हो सकते हैं चांसेस है, तो इसके वो श्योरिटी मेरे पास है नहीं, तो मैं लगभग तक कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से 2 फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे होटल भी खुद सब बुक करना पड़ेगा। आई थिंक इतना खर्चा करने के बाद मेरे को जाने नहीं मिला ड्यू टू एनी रीज़न, तो फिर यार वेस्ट हो जाएगा वो पूरा, तो मैं नहीं जा रहा। मेरी आज ही बात हुई ना, आज मैं कन्फर्म कर लिया सारा बुक कर लेता, बट अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है ना मेरे पास, तो इतना मैं लंबा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। हमारी सेफ्टी हो गई या फिर आप लोगों की हो गई वो मैटर करते ही है। तो इस बार भी मेरे को ऐसा था कि वो 15,000 लोगों की कैपेसिटी रहेगा, बट वो वैसा नहीं है, वो 0 एक कम कर दो उतने की कैपेसिटी है, तो उसके अंदर अभी यार क्रेज नेक्स्ट लेवल है, तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अपना जॉनी 3 साल बाद ऑफिशियल में गया है, तो समझ रहे हो उसके फैंस अभी हाई हो रखे हैं, एकदम फुल जोश में है, तो लोग बहुत दूर दूर से ट्रेन से ट्रैवल करके जा रहे हैं, मैंने बहुत सारी स्टोरीज वगैरह देखी, मेरे को भी टैग कर रहे थे। तो आज के लिए बस, मैं बस इतनी न्यूज़ थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।